भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस संगठन में नई जान आई है, ये कहना है कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश की। उन्होंने कहा है कि हम जहां से भी नहीं गुजरे वहां भी एक नई उमंग और नया जोश देखने को मिल रहा है, और ये महसूस भी हो रहा है कि जयराम रमेश की माने तो भारत जोड़ो यात्रा का मकसद कभी भी विपक्षी एकता नहीं था। हमने ये नहीं सोचा कि विपक्ष में एकजुटता लाने के लिए यात्रा निकालें। हमने कहा कि हमें संगठन को मजबूत करना है, कांग्रेस पार्टी में एक नई जान फूंकनी है, इसके लिए यात्रा निकालनी है। कई राजनीतिक दलों को निमंत्रण दिया, कुछ आए कुछ नहीं आए। भारत जोड़ो यात्रा से जो परिवर्तन पार्टी में आया है, जो परिवर्तन राहुल जी की छवि में आया है, जो नई जान संगठन में आई है, उसका एक नतीजा विपक्षी एकता हो सकता है। जयराम रमेश ने आगे कहा, अगर कांग्रेस अपने आप को मजबूत नहीं कर सकती तो विपक्षी एकता एक ख्वाब रहेगी। विपक्षी एकता का ये मतलब नहीं है कि कांग्रेस पार्टी लोकसभा की सिर्फ 200 सीटों पर चुनाव लड़े, ये नामुमकिन है। ये कभी नहीं हो सकता कि विपक्ष की एकता के नाम पर कांग्रेस सिर्फ 200 सीट पर चुनाव लड़े। विपक्षी दलों को समझना चाहिए कि बीजेपी का एकमात्र राष्ट्रीय विकल्प कांग्रेस है। जयराम रमेश के मुताबिक राहुल गांधी की छवि में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। जिस तरह से बीजेपी ने सोशल मीडिया के जरिए छवि बिगाड़ने की कोशिश की, वो अब इतिहास हो गई है। आलोचना किसी की भी हो सकती है, लेकिन अब वो लोग व्यक्तिगत तौर पर राहुल गांधी के बारे में कुछ नहीं कह सकते। राहुल गांधी हर रोज 23-24 किलोमीटर चल रहे हैं, हजारों लाखों लोगों से मिल रहे हैं, उन्हें सुन रहे हैं, ये उनके लिए भी उपलब्धि है और पार्टी के लिए भी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।